हमारे अनुभव जागतिक अनुभव ही तो हैं, भौतिकी अनुभव, पदार्थगत अनुभव, लेकिन इन अनुभवों में एक और अनुभव हमें है, वह ईश्वरीय अनुभव, जो व्रत के समय, प्रार्थनाओं के समय, यज्ञ के समय, कथा के समय, तीर्थ में, सत्संग में अथवा गुरु की सन्निधि में कोई अनुभव हुआ हो, तब वो बड़ा अनुभव है हमारा। भोग के अनुभव तनिक या क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन योग का जो अनुभव है वो आनंद का अनुभव है। इसे ये ध्यान रखना, इंद्रियों से सुख तो मिला होगा, आनंद नहीं। पदार्थ सुख कारक तो है, पदार्थों से सम्मान तो मिलता है, सुख मिलता है, वो ऐश्वर्य की अनुभूति तो कराते हैं, माधुर्य बोध नहीं कराते, उनमें माधुर्यता नहीं है। मधुरता तो केवल ठाकुर में है, मधुरादि पतये रखिलम मधुरम। जो माधुर्य बोध है, तृप्ति बोध, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि होती रहती है। कई बार कुछ पदार्थ हमें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देते रहते हैं, पर तृप्ति नहीं, हम तृप्त नहीं हो पाते। जगत के पदार्थ हमें तृप्त नहीं कर पाते। भगवत भजन से ही हमें कहीं तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ईश्वर की कल्पना ही आनंद की कल्पना है, ईश्वर की स्मृति आनंद की स्मृति है, ईश्वर का अनुभव ही आनंद का अनुभव है। और उस आनंद के अनुभव में अथवा अनुभूति में, उस आनंद की कल्पना या आनंद की स्मृति में निर्वैद्यता आती है, इसका अर्थ वेदना नहीं रहती। निशंकता आती है, इसका अर्थ फिर शंका नहीं रहती। निर्द्वंद्वता आती है, इसका अर्थ द्वंद नहीं रहते। निर्भारता और निर्भयता, अन्यथा तो राजा महाराजा चौथे पन में सन्यास के लिए हिमालय क्यों जाते। भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को आत्म अनुभव के लिए क्यों प्रेरित करते। भगवान महावीर स्वामी वर्धमान क्यों प्रेरित करते, अगर पदार्थों में ही सुख होता। भोग के शिखर को छूकर वो योग की ओर गए, उन्होंने भोग का शिखर छुआ। इन प्रतापी सम्राटों के सामने तो इंद्र शीश झुकार कर खड़ा रहा है, इंद्र लालायित रहते थे। ये महादेव इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राट, कवि सुदुम्न शर्याति नभग नाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र दिलीप अंशुमान भगीरथ अज दशरथ, ये कुछ मांगे तो सही हमसे। इंद्र को ये व्याकुलता रहते थे कि देखो दशरथ हमसे कुछ मांगते नहीं है, मित्र तो हैं हमारे। फिर वो ऐसे मन में संतोष कर लेते कि इनकी पिता ने भी तो कुछ नहीं मांगा, अज ने, खटवांग, दीर्घतमा दीर्घबाहु रघु ने, कभी सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश अंशुमान दिलीप और भगीरथ ने, ये सब पुरुषार्थ ही रहे। इनका विश्वास रहा है कि अपने से भाग्य बनाएंगे, अपने श्रम से, अपने पुरुषार्थ से। भले ही इंद्र हमारा मित्र है, भले ही यम वरुण कुबेर आदि हमारे सहयोग के लिए तत्पर है, भले ही सारी सिद्धियां शीश झुकाए द्वार पर खड़ी हों, पर पुरुषार्थ से ही अर्थ की प्राप्ति करेंगे,
जब तक माथे पर पसीने की बूंदें ना आए और जब तक ये यहाँ का ये श्वेत कर्ण, मस्तक का श्वेत कर्ण जब तक एड़ी तक न पहुंच जाए तब तक श्रमिक को अच्छा नहीं लगता। कई बार श्रम देह का, मन का और बुद्धि का श्रम भी अनेक प्रकार के है, तप भी अनेक प्रकार के। सामान्य व्यक्ति बेचारा देह तपा रहा होता है, पर जिनमें मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, वो बुद्धि का तप कर रहे होते हैं। सन्यासी आत्म तप कर रहा होता है, खाली बैठा साधु ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर रहा है, आत्म तप कर रहा है, आत्मोद्योगी है, तो पूरे परिवेश को पवित्र बना रहा होता है। उसके तप से समूचे परिवेश में स्थिरता, सौम्यता, सौकर्यता, संतुलन, जैव में एकता, जैव जगत में एक एकत्व, सह अस्तित्व की भाव वृद्धि होती है साधु के तप से। अरे कोई तो यहां निर्मिति होती ही है, कोई यहां एक परिवेश की निर्मिति, तभी तो अंबर से वर्षा आती है, बादल तभी तो बाध्य होते हैं निचोड़ने के लिए। वैसे ही तप के वशीभूत इतना तप हुआ है मिथिला में, स्वर्ग लज्जित है कि ऐसा सुख सौंदर्य ऐश्वर्य विभूतियां, ऐसा माधुर्य, ऐसी दिव्यता हमारे पास नहीं। तो किस प्रकार से स्वर्ग की ललनाएं, अप्सराएं, देवबालाएं, सच इंदिरा रीति से हैं, अधूरा सा अनुभव कर रहे हैं। कि किसी एक जनक ने तप कर किस तरह का वातावरण सृजित किया है, ये सच है। कुछ लोग वातावरण ढूंढने जाते हैं, पर एक और भी बहुत बड़ा सच है कि कुछ लोग वातावरण बनाते हैं। कुछ लोग तीर्थ ढूंढने जाते हैं, कुछ लोग तीर्थ बना देते हैं। हमारे यहां तो लिखा है कि संत ही तीर्थ की निर्मिति करते हैं, शास्त्रों में अनेक स्थानों पर लिखा है। तीर्थ माने क्या? जहां साधु बैठकर तप करता है वही तीर्थ होता है। तो साधु अपने तप से तीर्थ बनाता है, तप में ही पवित्रता है। तो जितनी तीर्थ की शुचिता, पवित्रता, दैवत्व, तीर्थ में जो एक उच्चता हो, उत्कृष्टता हो, तीर्थ में जो मोहनीयता हो, मांगल्य हो, तीर्थ में जो तारक सत्ता, तारण सत्ता है, वह सारी की सारी दिव्यता, वो सत्ता जनकपुर में है, सुनैना के पास है। जनक भारिया सुनैना इतनी दिव्यता की स्वामिनी है, चूंकि वहां कोई और नहीं, श्री जी का विहार हो चुका है।